नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। ज्ञानवापी मामले में अब बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को कार्यमुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि अजय मिश्रा को जानकारी लीक करने के मामले में कार्यमुक्त किया गया, जिसके बाद अब बाकी दो कमिश्नर कोर्ट को सर्वे रिपोर्ट देंगे। वही रिपोर्ट देने के लिए कमिश्नरों को 2 दिन का समय मिला है। और इस खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, 2 दिन का समय दिया गया है, जहां एक कमिश्नर को कार्यमुक्त कर दिया गया, अब 2 कमिश्नर रिपोर्ट, जो सर्वे की रिपोर्ट है, उसे 2 दिन के अंदर सौंपेंगे, क्या कुछ जानकारी है? जी शिखा, आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट ने मंगलवार को ज्ञानवापी मामले में सुनवाई पूरी कर ली। 3 दिन तक ये पूरा सर्वे किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कैमरे की रिकॉर्डिंग की गई, कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई, उन विभिन्न जगहों पे रिकॉर्डिंग की गई थी जहां कोर्ट का आदेश था। आपको बताएं कि उसके बाद कोर्ट ने जो कमिश्नर थे बनारस के अजय मिश्र, उनको तत्काल प्रभाव से हटाने का काम किया है। वहीं आपको बताएं कि उनके हटाने की वजह ये सामने निकल के आ रही है कि जो मुस्लिम पक्ष था उनकी तरफ से आपत्ति की गई, आपत्ति जताई गई, जिसके बाद कोर्ट ने जो कमिश्नर है उनको जब जो उनकी जिम्मेदारी थी उससे मुक्त करते हुए, अब आपको बताएं कि जो विशाल सिंह है उनको कोर्ट के द्वारा नए कमिश्नर बने रहेंगे। वहीं आपको बताएं कि सिविल जज डिवीजन की कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट के ज्ञापन के बाद, सौंपने के बाद, इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। जो रिपोर्ट दाखिल करनी थी उसमें अब 2 दिन का समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा 2 एप्लीकेशन कोर्ट में डाली गई है, इसमें कुछ दीवारों गिरकर वीडियोग्राफी करने वाले वजूखानों के आसपास जो वजूखाना है उसको सील करके कार्रवाई के बाद समस्या को दूर करने की इजाजत देने की मांग की गई है। वहीं आपको बताएं कि सुनवाई के समय कोर्ट में दोनों पक्ष के वकील एक साथ, 3 एडवोकेट, कमिश्नर और डीसीजी सिविल मौजूद रहे। वहीं आपको बताएं कि डीसीजी सिविल, एडवोकेट, कमिश्नर वादी पक्ष के महिला के 3 अलग अलग प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। आपको बताएं कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसमें 3 महिलाओं के द्वारा, 5 महिलाओं के, माफ करिएगा, 5 महिलाओं के द्वारा PIL डाला गया, जिसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। वहीं आपको बताएं शिखा कि आज कोर्ट में 3 एप्लीकेशन दाखिल हुए। इसमें पहला एप्लीकेशन था सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 दिन का समय दे। वहीं दूसरा एप्लीकेशन था सील होने के बाद समस्या दूर की जाए। वहीं अगर तीसरे एप्लीकेशन की बात की जाए तो तीसरा एप्लीकेशन जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से है, उसमें कुछ दीवारें गिरकर वीडियोग्राफी हो, उसमें साफ तौर पे जो हिंदू पक्ष का है, जो तीसरा एप्लीकेशन, उसमें हिंदू पक्ष का कहना है कि दीवारों को गिराकर उसकी वीडियोग्राफी की जाए कि अंदर किस तरह के जो बनावट है वो किस तरह का है, क्या वो हिंदू जो धर्म में देवी देवताओं के मंदिरों में मनाता है, क्या अंदर से वैसा है, जिसको लेकर एक एप्लीकेशन दायर किया गया। जैसे कहा बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। आजम खान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आजम खान की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। आजम की अंतरिम जमानत पर कोर्ट फैसला करेगी। यूपी सरकार ने आजम को जमानत देने का विरोध किया है। यूपी सरकार की तरफ से ASG राजू ने कोर्ट में दलील दी। उन्होंने कहा आजम खान बयान दर्ज कराने के दौरान धमकी दे रहे हैं। आजम खान ने केस के IO को धमकी दी है और कहा सरकार आई तो बदला लूंगा। ASG ने बताया कि आजम ने कहा परेशान करने वाले किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं, जिनका बचाव करते हुए आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम खान 2 साल से जेल में बंद है। खबर उन्नाव से है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस के ड्राइवर को नींद आने की वजह से बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में बस में मौजूद 40 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जबकि 2 लोग मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल भेजा है। वहीं 2 मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बस आ रही थी जयपुर से, वो बस जो संभाल में ड्राइवर को नहीं रहा,
और एकदम से वो दहने की तरफ पलटी मार गई। अच्छा, बस में कितने लोग सवार थे? 250 लोग। आज दिनांक 17/5/2022 को लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर जयपुर से समस्तीपुर को जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 22 लोग घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, इसमें से कुछ लोगों को यहां से जो है एलर्ट मेडिकल कॉलेज भी रेफर किया गया है। आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक बस की दुर्घटना हुई, जिसमें 26 लोग घायल थे, उनको तत्काल CSC बांगरमऊ ले जाया गया, जिसमें से 22 लोगों को उन्होंने रेफर किया था जिला अस्पताल के लिए। जिला अस्पताल में भी आने पर कुछ लोगों की ज़्यादा कंडीशन गंभीर होने पर उन्हें कानपुर यहाँ के डॉक्टर्स ने रेफर किया है। सभी घायलों का समुचित उपचार के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कानपुर भी हमने अपने डॉक्टर्स भी भेजे हैं। खबर श्रावस्ती जिले से है, जहां गठन के लगभग 24 साल बाद दीवानी न्यायालय को अपना निजी भवन मिला है। अब तक भिनगा तहसील और किराए के भवन में संचालित जिला कोर्ट सिविल लाइन में निर्मित दीवानी न्यायालय के नए भवन में संचालित होंगे, लेकिन निर्माण कार्य की धीमी गति के चलते अब ये तैयार हुआ है। हालांकि अभी अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैम्बर नहीं बन सका है। रायबरेली में नालों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर पालिका का बुलडोजर चलाया गया है। नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए घर के बाहर नालों पर बने पक्के निर्माण को बुलडोजर से तोड़ दिया। वहीं नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आशीष सिंह का कहना है कि ये अभियान पूरे शहर में चलाया जाएगा। आज हम लोगों ने जवाहर विहार कॉलोनी में जिन लोगों ने भी नालियों के ऊपर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा था, उस अतिक्रमण को हटाते हुए नाला और नाली की सफाई की कार्रवाई करवाई है और ये कार्यक्रम पूरे शहर में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री नगर विकास जी के आदेश के क्रम में शहर में जहाँ पर भी नाले नालियों के ऊपर अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है, उसको हटवा करके हम लोग नालियों की सफाई करवा रहे हैं, जिससे कि आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए जलभराव की समस्या। सिद्धार्थनगर के बिसोकेहर निवासी प्रभात जायसवाल ने मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की मुहिम शुरू की है। उन्होंने एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे 36 बच्चों को पेड़ की छांव में शिक्षा देने का फैसला किया। उनका कहना है कि उनका लक्ष्य इन्हें शिक्षा देना नहीं है, बल्कि शिक्षा के महत्व को बताना है। अच्छा, और स्कूल है लेकिन आप जो पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। क्या है, कौन पढ़ा रहा है आप लोगों को? सर प्रभात सैनी कुमार। तो बेटा पढ़ाई कर रहे हैं वो पेड़ के नीचे, कौन पढ़ा रहा है आप लोगों को? शिवम सर, राहुल सर। कितने दिनों से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? एक हफ्ता से। इससे पहले आप लोग क्यों नहीं पढ़ाई करते? नहीं जानते थे। अच्छा, आप पढ़ाई करते हो, कौन कौन पढ़ा रहे हैं आपको? शिवम सर, प्रवेश सर। कितने दिन से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? 8 दिन से। बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, पढ़ता है तो। इससे पहले आप लोगों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? इतना पैसा नहीं था तो पढ़ाने के लिए विद्यालय में यहाँ से पढ़ा सकते हैं। हम लोग का बच्चा पढ़ता है तो अच्छा लगता है, हम भी गरीब आदमी हैं, पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाता है तो। क्या चाहते हैं आप कि आपका बच्चा क्या करे? आगे बढ़े, पढ़े। हमारे साथी हमारे छोटे भाई हैं शिवम कौशल जी, राहुल गुप्ता जी, रोहित गुप्ता जी, इन लोग के मेहनत और लगन का प्रतिफल है। मैं इन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और आपकी न्यूज के माध्यम से मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे जनपद सहित पूरे प्रदेश में हजारों भट्ठे हैं, तो सिर्फ मैं इस मुहिम में अकेला ना रहूं। जिस तरह मैं कोरोना का मुहिम छेड़ा था, पूरे प्रदेश से मेरे साथ लोग जुड़ गए थे, उसी तरह इस मुहिम में पूरे जनपद से मेरे साथ लोग जुड़े और अपने आस पास के, चाहे वो भट्ठे के मजदूर हों चाहे वो प्रवासी हों, उनके बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लें, उनको आगे बढ़ाने का संकल्प लें, क्योंकि भारत किसी एक व्यक्ति का नहीं है, भारत हर बच्चे से बनता है, एक एक व्यक्ति से बनता है। और एक
खबर रायबरेली के लालगंज विकासखंड से है, जहां एक गांव के इंडिया मार्का हैंड पंप से दूषित पानी निकल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हैंड पंप चलाने पर पानी के साथ कीट पतंगे निकल रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं गांव के लोग पीने के पानी को लेकर काफी परेशान हैं। पंखी के पंख निकल रहे हैं। कितने दिन से? अरे 4-5 दिन से। इस नलके से लगभग कितने लोग पानी भरते हैं? अरे भरते हैं 27-28 घर। दादी का नाम है आपका? कलावती। कहाँ रहते है? अमलियापुर। आप जब नल है आपके गांव में, उसमें पानी भरती हैं आप, तो उसमें क्या निकलता है? पाँखी निकलती है। कैसे पता चला कि पाँखी निकली? पानी उतर रहे तो जाने मिलेगा। अच्छा, कितने लोग पीते हैं इस नल का पानी? अरे सब पी रहे हैं, टोला मोहल्ला। काफ़ी दिन हो चुके हैं इस टंकी को लगे हुए, कम से कम 3-4 साल हो चुके हैं। और उसके बाद ये ऊपर वाली टंकी ख़राब हो गई थी, फूट गई। उसके बाद फिर इसमें बिजली कनेक्शन हो गया है, और उसके बाद फिर जो कनेक्शन है वो किसी के घर पे लगा हुआ है, और वो उन्हीं के घर पे स्टार्टर मोटर सब कुछ है। जब मर्जी होती है तो वो चलाते हैं, जब मर्जी नहीं होती तो नहीं चलते। ये जो सोलर पैनल वाला योजना नहीं चल रही थी आज के 3-4 साल पहले, तब लगाते हैं। ये जब लगा था तब कितने लोग प्रभावित थे? मतलब कौन जल प्रयोग कौन कौन करते थे, कितने लोग? लगभग लगभग कम से कम 18 घर इससे। सिद्धार्थनगर जिले में 14 मई को महिला की गोली लगने से मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है, जहां गोली चलाने वाले असली आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं पुलिस की इस सफलता से मामले में फंसी सदर थाने के पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। पुलिस का दावा है कि सदर थाना क्षेत्र के भीमापार निवासी जितेंद्र यादव नाम के व्यक्ति ने 14 की रात को इस्लाम नगर में हुई घटना में गोली चलाई थी। और ये टेक्निकल पोस्टमार्टम जो कराया है, पोस्टमार्टम में एक एग्जिट वुंड और एंट्री वुंड आया है। संभवतः वो बुलेट वुंड ही है, किंतु डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पेसिफिकली फायर आर्म इंजरी नहीं लिखा है। अभी उसमें डॉक्टर साहब के बयान हो जाएंगे तो उसमें यही तथ्य सामने आए। गोली बॉडी में नहीं मिली है, डॉक्टर के पैनल से हमने निष्पक्षता बनाने के लिए वीडियोग्राफिक उसका पोस्टमार्टम कराया है, लेकिन बॉडी थ्रू एंड थ्रू है। गोली बॉडी को पार कर गई, किसी तरीके की गोली नहीं मिली। गांव वालों ने ही एक वहां से मौके से जो कारतूस जो बरामद करके गोली पुलिस को दी थी उसके बोर में, और जो अभियुक्त के खबर देवरिया से है, जहां कौशल प्रशिक्षण केंद्र द्वारा मुफ्त स्मार्टफोन वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सलीमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा और वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक पांडे ने सभी बच्चों को स्मार्टफोन वितरित किया और कहा कि आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए स्मार्टफोन बहुत जरूरी है और भविष्य की युवा पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग को आरंभ करने के लिए ये एक अच्छा प्रयास है। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने की खबर से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ उठी है। बलिया के लोकगीत कलाकार चिंटू सेवक ने नगर के बालेश्वर मंदिर में गीत गाकर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मिले शिवलिंग के प्रति खुशी जाहिर की है। वहीं मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का कहना है कि शिव ही सत्य है, उन्हें लेकर कोई ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल सकता। खुशी की बात है, हम लोग का प्रतीक्षा खत्म हुआ और हम यही कहना चाहेंगे सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ये पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए सौभाग्य की बात है कि साक्षात बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन अब हमें मिल पाएगा, और बहुत ही खुशी की बात है। पूरे बलिया मासी की तरफ से बाबा का स्वागत है, स्वागत है, और बाबा का बस जय जयकार। बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जिले के 22 थानों को सौगात दी है। उन्होंने 2 अलमारियों, 2 लाउड हेडलर और 1 प्रेशर कुकर, 5 कंबल सहित पोस्टमार्टम किट सभी थानों के थाना अध्यक्षों में बांटे, और इस कार्यक्रम के दौरान एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। हम लोगों ने थाने के लिए 2 लाउड हेलर आहूजा का, 2 आलमीरा गोदरेज का जिसमें 1 महिला हेल्प डेस्क के लिए, प्रेशर कुकर हॉकिंस का 10 लीटर का, हवालाती कंबल और पीएम का किट, ये सभी थानों को
क्रय करके आज सामूहिक रूप से वितरित किया जाए। बीते दिनों आगरा में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला क्रिकेट संघ की तरफ से किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न प्रशिक्षकों ने धांधली के आरोप लगाए हैं। क्रिकेट प्रशिक्षण का कहना है कि जिला क्रिकेट संघ से जुड़े हुए लोग सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनका चयन कर रहे हैं, जिससे प्रतिभावन खिलाड़ी पीछे रह जा रहे हैं, और जिसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर क्रिकेट खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम प्रेम प्रभात है और हम यहाँ सभी लोग एकत्र हुए हैं। बाकी सभी लोगों ने अपना सभी चीज़ें बता दिया है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ एसोसिएशन से, यहाँ के लोगों से, एक प्रॉपर एक एटमोसफेयर बनाए, एक स्ट्रक्चर बनाए, ताकि जो इतने सालों से जो दुर्भाग्य रहा है, अब क्रिकेटर्स के आने के बाद भी अगर वो दुर्भाग्य है ना चालू रहे तो बड़ा गंभीर मसला है। ये मेरी आगरा क्रिकेट एसोसिएशन से ये गुजारिश है आप सभी के चैनल के माध्यम से कि ट्रायल्स को कैंसिल करके आगे से मैचेस को शुरू कराना चाहिए। अभी कोई ट्रायल नहीं होना चाहिए आगे से, अब जब भी हो मैचेस हो, बच्चा प्रदर्शन करे, आगे जाए। अगर वो नहीं करता है तो वो कहने का हक नहीं रखता कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। आगरा क्रिकेट एसोसिएशन को ये समझना पड़ेगा, बच्चों के भविष्य से वो खिलवाड़ नहीं कर सकते। कि आगरा क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर आगरा के जितने भी कोचेस हैं, क्रिकेट जो बच्चों को सिखाते हैं, उनकी नाराज़गी है। उनका कहना यह है कि आगरा में इतनी सारी प्रतिभाएं होने के बावजूद भी ऐसा क्या कारण है कि आगरा के बच्चे राजस्थान से जाके, हरियाणा से जाके तो क्रिकेट खेल जाते हैं, लेकिन आगरा से नहीं खेल पाते। कहीं ना कहीं आगरा में क्रिकेट के ट्रायल को लेकर या क्रिकेट की पारदर्शिता को लेकर कहीं ना कहीं चोरी करते हैं वो लोग, और अपने मनमाने लोगों को क्रिकेट में भेजने का, आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे आगे चलकर वो बच्चे नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि उनमें इतनी प्रतिभाएं नहीं होती। वो जुगाड़ में से एक बात कहूँ, जुगाड़ से आगे जाते हैं, इसलिए जुगाड़ वाले बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, और जिनमें सचमुच प्रतिभाएं आगरा के लोगों में, वो कहीं ना कहीं वो प्रतिभाएं दबा दी जा रही हैं। उन्होंने ये ज्ञापन दिया है और ये हम लोगों ने ये उनसे निवेदन किया है कि जो आगरा में ट्रायल कंडक्ट कराए जाते हैं उनमें जो धांधली होती है और मनमानी जो यहाँ के चयनकर्ता, यहाँ के सचिव द्वारा होती है, उसको लेके हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि ट्रायल की बजाय हम लोग सभी ट्रायलों का बहिष्कार करते हैं यहाँ पर खड़े कोच क्रिकेट अकेडमी के, और हम उन ट्रायलों की जगह चाहते हैं ट्रायल मैचों का आयोजन हो, जिससे कि जो प्रतिभा है बच्चों की वो निकल के आ सके, और सर्व और जो यहाँ के चयन होते हैं खिलाड़ियों के वो गुपचुप तरीके से होते हैं, वो क्यों। खबर अलीगढ़ की तहसील इगलास क्षेत्र से है, जहां पर कई गांव में विंद विकास सेवा संस्थान ने जल बचाओ अभियान चलाया, जिससे जल की बर्बादी पर रोक लगाई जा सके। विंद विकास सेवा संस्थान के बैनर तले तहसील इगलास के ब्लॉक परिसर में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जल बचाने के प्रति जागरूक किया गया। इसी क्रम में ब्लॉक के अधिकारियों के साथ मिलकर जल संगोष्ठी का आयोजन कर प्रचार वाहन को गाँव में रवाना किया गया। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज ब्लॉक परिसर इगलास में विंस टीम द्वारा लोगों को नुक्कड़ नाटक और सोशल मैपिंग के जरिए जल संरक्षण का संदेश दिया गया, जिसका कि वीडियो साहब और एडीओ पंचायत सर ने हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया, जिसमें विंध विकास सेवा संस्थान की टीम अलीगढ़ के थाना चंडौस में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। महिला की मौत पर मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न कर हत्या का आरोप लगाया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें कि महिला के मायके वालों का कहना है कि ससुराल वालों ने दहेज के 5 लाख रुपए और बुलेट की मांग की थी। उनका आरोप है कि मांग पूरी ना होने पर ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नहीं, कभी से कुछ नहीं है, मेरे भाती उसकी बात करते थे, लड़की को टॉर्चर करते थे, तो मुझे ये चाहिए, मुझे इन लोगों ने, गरीब मेरे भाई ने, तबेरे भाई ने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग शादी की, उसके बावजूद ये लड़की को टॉर्चर करते रहे, और मुझे वो चाहिए बुलेट चाहिए, और मुझे 5 लाख रुपए दो, मेरा ये है चौक हमार जमीन इनकी गई थी NTPC में, तुम्हें मुआवजा मिला, मेरा भी शेयर ये, और वो इस तरीके से टॉर्चर करते थे, दहेज मांगते थे मतलब जी,
और लड़की जब कहती थी तो उसको उसके घर हमें नहीं बिगाड़ना था, उसे समझाते थे बेटा कोई बात नहीं सहन करते रहो। रात क्या हुआ था? रात कहाँ, कल दिन में हुआ। हाँ, दिन में मतलब क्या? खबर संभल के असमोली थाना क्षेत्र से है, जहां आए दिन अवैध खनन होता रहता है, जो कि खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी भरकर दिन दहाड़े रोड पर नजर आते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। जबकि असमोली क्षेत्र के गांव मुबारकपुर में आए दिन अवैध रूप से खनन होता रहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन खनन माफियाओं के सामने मौन बना बैठा है। देखना यह है कि खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई आखिर कब होगी। आज लखनऊ में बड़े मंगल की धूम देखने को मिल रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, कई जगह भंडारों का आयोजन किया गया। कोरोना काल के बाद इस बार बड़ी धूमधाम के साथ बड़ा मंगल मनाया जा रहा है, भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि लखनऊ में बड़े मंगल की परंपरा 400 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले भयंकर गर्मी से जूझ रहे हैं। इस बार बांदा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बांदा में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ का तापमान 41 और गाजियाबाद में 39 डिग्री दर्ज किया गया है तापमान, जहां पिछले करीब एक हफ्ते से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जबरदस्त तपिश का दौर चल रहा है और उमस बढ़ने के कारण लोग गर्मी की दोहरी मार सहन करने को मजबूर है। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में जबरदस्त तपिश और लू दौर जारी रहने का अनुमान है, और इसके अलावा पूर्वी और पहाड़ी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बता दें प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में मौसम आमतौर पर सूखा रहेगा। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।